अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आपको जिस तरह से मालूम है, अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा ब्लॉगिंग से मुतल्लिक, तो आपको मालूम होगा कि पहले ट्यूटोरियल में हमने बात की कि किस तरह से हम गूगल पर जाकर ब्लॉग बना सकते हैं और वो भी फ्री में, और किस तरह से हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह उसका टाइटल रख सकते हैं, किस तरह से हम उसका डोमेन नेम सेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपना इतने तक, जहाँ तक आपको व्यू सामने आ रहा है, इतने तक हम किस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं। और इतने अगर आपको इससे पीछे वाला मामला समझना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। और अगर आपने पिछली वीडियोस देख ली है, तो आप इस वीडियोस में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने ब्लॉग पर एक टेम्पलेट सेट करते हैं। टेम्पलेट असल में एक थीम होता है, एक व्यू होता है वेबसाइट का, कि हम अपनी वेबसाइट का किस तरह का व्यू रखना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट को किस तरह का शो करना चाहते हैं, किस तरह का हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री में ब्लॉग्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन है, अगर यहाँ से आपको कोई थीम अच्छा लगता है, कोई टेम्पलेट अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ से अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारी दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। और जैसे कि मेरे सामने ये मैगज़ीन से मुतल्लिक कुछ टेम्पलेट्स हैं, मैगज़ीन की अगर आप की कोई वेबसाइट है या वीडियो से है, तो आप वीडियो वाले टेम्पलेट्स देख सकते हैं, इस तरह का है। तो आपने करना यह है कि जस्ट इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि वेबसाइट नज़र किस तरह आएगी, तो लाइव प्रव्यू कर सकते हैं। और अगर आप लाइव प्रव्यू नहीं करना चाहते, जस्ट आपको वैसे ही ठीक लग रही है या आपको पसंद आ रही है, तो आप इसे डाउनलोड यहां से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड फाइल हो जाएगी, तो आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें से आपने सिलेक्ट करनी है एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल कौन सी होती है, ये अभी मैं आपके सामने एक टेम्पलेट जो है अपने इस सेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर थीम पे क्लिक करना है, या अगर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है कि टेम्पलेट का, सम टाइम आपको वेबसाइट पर यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा होता है, और सम टाइम आपको शो हो रहा होता है थीम का। तो यहाँ पर थीम का शो हो रहा है, अगर टेम्पलेट का भी शो हो, तो आपने टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही होगा, तो उसके बाद ये व्यू आपके सामने आ जाएगा। और आपने करना ये है कि बैकअप एंड रीस्टोर पे आपने जाकर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पहले वाला थीम है, मैं उसको डाउनलोड कर लूँ और अपने पास सेव रख लूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड थीम पर क्लिक करके अपना जो आपका फिलहाल चल रहा है, आप उस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। या अगर आपको कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर आपसे कहता है कि मैं भी बिल्कुल वही थीम या टेम्पलेट अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि आपने किया, तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने ब्लॉग पर कोई न्यू थीम लगाना, तो यहाँ चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपकी जो एक्सएमएल फाइल है, आपने जहाँ पर डाउनलोड करके रखी है, आपने वहाँ जाना है और वहाँ से आपने कर देनी है वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास इधर ही फाइल पड़ी हुई थी, मैं उसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह, ये मेरे साम आपके सामने जो है एक टेम्पलेट जिसके लास्ट में डॉट एग्जामल आ रहा है, ये फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। इस तरह की आपने जो भी थीम सेलेक्ट करना है, उसमें ये फाइल ज़रूर होगी, आपने वो सेलेक्ट करनी है, उसको कर देना है ओपन। ओपन जैसे ही करेंगे, तो ये इस तरह का नेम सामने आ जाएगा जो फाइल आपने सेलेक्ट की, उसके बाद आपने करना है उसको अपलोड। अपलोड जैसे ही आप करेंगे, तो थोड़ी देर हो जाएगी लोडिंग, और जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी, तो सामने एक नई न्यू प्रव्यू आएगा, अपलोड सक्सेसफुली ऊपर आ गया है। और इस तरह से एक आपका जो टेम्पलेट है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सेट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसके दोनों व्यूज़ आ रहे हैं, एक मोबाइल से मुतलक, और दूसरा व्यू है वो है जो डेस्कटॉप पीसी के अबाउट। ये इस तरह के जो थीम है, वो हमारी वेबसाइट पे सेट हो गया है। तो अब हम इसको जाकर व्यू ब्लॉग पर जाकर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि वाकया क्या हमारा जो टेम्पलेट है वो चेंज हो चुका है, हमारी वेबसाइट जो है न्यू स्टाइल की बन चुकी है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का थीम आ चुका है। ये थीम इस तरह का है कि अगर आप वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर लगाते जाएंगे, तो यहाँ पर वीडियोज़ शो होती जाएंगी। अगर आपको मैं अपना दूसरा ब्लॉग दिखा दूं, जिस पर मैंने ये अप्लाई कर चुका हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह का लगेगा। आईटी स्टूडेंट्स हाउस, ये सर्च कर लेते हैं, और ये कर लिया हमने सर्च अभी। सॉरी, ये
हाँ नहीं, वो मेरा ब्लॉग जो मैंने जिस पर अप्लाई किया वो अभी शो हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ ये वाला मेरा ब्लॉग है जो गूगल में इस वक्त आ रहा है। नीचे मेरी वीडियोस भी इस तरह शो हो रही हैं जो कि मैंने उस ब्लॉग पर लगाई हुई हैं। तो इस तरह का जो है व्यू वो आ जाएगा आपकी वेबसाइट पर अगर जब आप उस पर वीडियोस वगैरह लगाएंगे तो इस तरह के व्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगा, इस तरह की आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर के हाँ किस तरह से हम इसके ये वाले जो पेजेस हैं वो किस तरह नेम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें इसका बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं, ये एक अलग से वीडियो, बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट में ये बताता चलूँगा आप इस टेम्पलेट पर यहाँ पर यूट्यूब का अपना लिंक, ट्विटर का लिंक, गूगल प्लस का लिंक, फेसबुक का लिंक और इसके अलावा यहाँ पर नीचे अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बाकी टॉपिक ही कुछ ऐसा था। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर जाकर, और आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।